परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज से सर्वप्रथम मैं 1981 में अपने गांव में ही मिला था उनका गांव हमारे गांव से चार किलोमीटर दूरी पर है उनके गांव में नाम हटके सेंटर हैं और ऐसे बिहार में कई नाम हटके सेंटर भभुआ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है और उसके बाद मैं अपने गांव का भी ब्रत सुंदर प्रभु के प्रेरणा से अपने गांव का भी जो सेंटर है छोटा उसको भी बाद में रजिस्टर्ड हम लोग कराए तो उन्नीस सौ इक्यासी में वो बुक वितरण करते हुए और कुछ कलेक्शन भी कर रहे थे हट सेंटर को डेवलप करने के लिए तो हमारे यहाँ ही रुके थे उस गांव में हम लोग का रिलेशन भी है गोरकृष्ण महाराज जी के गांव में तो पहले से ही संबंध था लेकिन उनसे हमारा उतना संबंध नहीं था सुना था कि वहाँ भी भक्त बने हैं और गुड़रा जो महाराज जी का गांव है वो भी 11 किलोमीटर दूरी पर है हमारे गांव से तो चर्चा था ही कि गुड़रा में एक बहुत बड़े महंत हुए हैं लोग चर्चा करते थे महाराज जी के बारे में कि गुड़रा में एक बहुत देवन सिंह के लड़के बहुत बड़े भक्त बन गए हैं पूरा जिला कई जिलों में चर्चा था तो गौर कृष्ण महाराज से विद्यार्थी थे दीक्षा ले लिए थे दीक्षा अठहत्तर में ही लिए थे वो उन्नीस सौ अठहत्तर में दीक्षा लिए थे पैंट शर्ट थे उस समय आईएससी में पढ़ रहे थे तो हमारे गांव में रुके उनके साथ में श्रीवास थे श्रीवास प्रभु जो बरसाना में आश्रम बनाए हैं वो लाल वस्त्र पहने थे और सीतापति जी थे तीन भक्त थे तो हमारे यहाँ रुके तो हम ही उन लोगों को प्रसाद सर्व करते थे उस समय हम सातवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो वो एक किताब देख कर गए थे मुझे नहीं दिए थे हमारे कजिन ब्रदर हैं उनको दिए थे कृष्ण की ओर तो किताब हम अपने क्लास की किताबों को देख रहे थे वो किताब हाथ में आ गई कृष्ण की ओर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मैं पढ़ने लगा उसको जिनको दिए थे वो नहीं पढ़ते थे और हमको भी नहीं मालूम था कि वो किताब दिए हैं ऐसे ही मैं अपने मतलब क्लास की किताबों को देख रहा तो उसी में मिली तो किताब को हम लोग पढ़ते थे और गांव के कई लोग पढ़ते थे पढ़ कर के बहुत प्रेरित होते थे और जाने के लिए घर छोड़कर भागने के लिए भी प्लानिंग करते थे कि उसमें लिखा था दूसरे पेज में कि एस्कान भक्ति योजना भक्त बनने की क्या योजना है और जुहू मंदिर का फोटो दिया था एड्रेस दिया था और उसमें ये भी लिखा था कि योग्य भक्तों को विदेश भेजे जाने की संभावना <laughs> 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 बाद में उसको निकाल दिए लोग जब हम जुहू मंदिर में गए तो बाद में इस पर डिस्कशन हो रहा था बाद में उसको नीचे लिखा हुआ था जो कि भक्तों को विदेश भेजे जाने की संभावना भक्त भक्त योजना के अंतर्गत सब कुछ नियम कानून बता करके अंत में वो लिखा हुआ था बाद में उसको निकाल दिए लोग हम जब जुहू मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर ले उसके बाद उसको लोग निकाले तो गौर कृष्ण महाराज जी से ऐसे संपर्क 81 में हुआ फिर 82 में महाराज का हमारे जूनियर हाई स्कूल में प्रोग्राम हो गया था अचानक महाराज जी एक टीम लेकर के ही जा रहे थे झारखंड प्रीचिंग के लिए और वहाँ से गौर कृष्ण महाराज जी के गांव होकर के पहाड़ के ऊपर चढ़ना था तो दोपहर का लंच टिफिन होता है ना ब्रेक होता है ना दोपहर में स्कूल का तो लड़के खेल रहे थे तो महाराज करीब पच्चीस तीस भक्तों के टोली के साथ मृदंग जो अमेरिकन मृदंग अलग अलग तरह के भक्तों का पोज हम पहली बार देखे थे तो अचानक वो लोग कीर्तन करते हुए स्कूल में आ गए देखे कि स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं तो उस समय शिक्षक लोग ही बहुत आध्यात्मिक थे धार्मिक थे तो वहाँ कीर्तन हुआ महाराज का प्रवचन हुआ बहुत सुंदर प्रवचन हुआ तो मेरे मन में भी होता था कि हमको भी बनना चाहिए ऐसा लेकिन शर्म आती थी झोली लेना ये लगना धीरे धीरे फिर 84 में हमारे गांव के बगल में महाराज का प्रोग्राम हुआ तो हम लोगों के घर से दूध घी ये सब वहाँ दिया गया क्योंकि उस समय धारणा थी और बहुत लोग कहते थे कि ये लोग डालडा में नहीं खाते हैं उधर पूरा प्रचार था कि भक्त लोग डालडा नहीं खाते हैं घी में खाते हैं और दूध में बना चीज खाते हैं तो हम लोग के भी यहाँ से दूध बगल के गांव में गया था तो सत्संग शाम को था मैं भी गया था तो मैं प्रश्न भी किया था महाराज जी से कि क्या ये भक्ति समूह में ही आवश्यक है पहले तो साधु लोग निर्जन वन में रहते थे तो समूह में भक्त तो महाराज कहे कि कली युग में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के समूह में भजन करना चाहिए कली युग संघे शक्ति इसलिए प्रभुपा जी ने कृष्ण भावना संघ का निर्माण किया है अब भक्तों के संघ में संकीर्तन करना कथा सुनना यही सरल है निर्जन वन में एकांत में भजन नहीं कर सकते इस समय का परिवेश अलग है और वनों में भी आप जाएंगे तो वहाँ सुविधाएँ नहीं हैं इस तरह से ये हो गया फिर 86 में गौर कृष्ण महाराज के गांव में हम भागवत सुनने के लिए गए उस समय बी में हम पढ़ते थे तो दिसंबर का महीना था तो उनके गांव में गए कुछ भक्त हमारे साथ पढ़ते थे तो गए तो वहाँ भागवत सुने और फिर वहाँ सेविंग कर लिए सीखा रख लिए कंठी नहीं बांधे दिखा रख ली तो और प्रोग्राम भी ले लिए महाराज का प्रोग्राम ले लिए फिर प्रोग्राम में बहुत सारे भक्त आए तो दो जनवरी मुंडन उन्नत तो एट्टी सिक्स में ही हो गया था दिसंबर में ही दो जनवरी एट्टी सेवन को सेकेंड जनवरी नाइनटीन सेवन को दीक्षा का कार्यक्रम हुआ तो हम दीक्षा मैं कहा कि मैं श्रीष्ट संप्रदाय में दीक्षा ले लिया था एट्टी फाइव में त्रिदंडी स्वामी एक बहुत बड़े प्रख्यात विख्यात महात्मा थे उनके शिष्य अभी बिहार में जी एस स्वामी कुछ। बहुत विद्वान है वो भी पंडाल उनका बहुत विशाल लगा था कुंभ में तो बहुत बड़े वही विद्वान थे करपात्री के समकक्ष थे त्रिदंडी स्वामी तो उन, उनसे दीक्षा 85 फाइव में लिया था महाराज जी के गांव के बगल में ही मेरा कालेज था तो जब अपने गांव में प्रोग्राम लिया तो मैं कहा कि गौर कृष्ण जी मैं तो दीक्षा ले लिया हूँ तो बोले हट हाँ ये तीन दिन का दीक्षा है दीक्षा तो ज़बरदस्ती हो दीक्षा तो पांच लोग दीक्षा लिए थे तो दीक्षा हो गई तो दीक्षा होने के बाद कॉलेज में हम जाते थे सेम फाइनल बी का फाइनल कर रहे थे तो कभी कभी हम लोग जब करना ये हो जाते थे छोड़ देते थे एग्जाम के समय में तो आते थे हमारे हॉस्टल पर भी और आकर रुक करके और हम लोग को फिर से मतलब उत्साहित करके प्रेरित करके कि जब करना चाहिए तिलक लगाना चाहिए कॉलेज में कभी कभी लड़के सीखा खींच देते थे उस समय बड़ा सीखा था अब तो झड़ झड़ गया तो कभी कभी पीछे लड़के सीखा खींच देते थे या बोलते देखो कितना बड़ा ये रियल है ऐसा मज़ाक करते थे एक बार हम इंटरव्यू के लिए गए थे धनबाद तो वहाँ भी ऐसे लड़के लगे सीखा खींचने बहुत विवाद हो गया तो मजाक में स्कूल में कॉलेज में लड़के से करते हैं न? तो गौर कृष्ण महाराज जी आते थे और हम लोग को उत्साहित करते थे कॉलेज के समय में फिर 86 से 89 में बीच बीच में हम लोग जाते थे हरिभक्ति प्रचार योजना झारखंड प्रिचिंग प्रोग्राम 89 नाइन में हम झारखंड प्रिचिंग में गए महाराज जी के साथ में बहुत सारे भक्त जंगल में इधर आदिवासी लोग रहते हैं पैदल चलना पहाड़ में कभी कभी रास्ता भूल गए तो आपको मुश्किल होगा उस रास्ता खोज पाना एक बार महाराज की पूरी टीम जंगल में गुम हो गई थी बारह बज गया रात्रि गौर महाराज बता रहे थे एक बार जंगल प्रिचिंग में डाकू लोग आ गए थे उसमें हम नहीं गए थे तो हम 89 में झारखंड प्रिचिंग में गए और बीए का हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया था अब ला में एडमिशन मुझे लेना था मेरा इंटरेस्ट था ला करने का तो झारखंड प्रिचिंग में गया तो झारखंड प्रिचिंग का समापन दिवस था एक दिन और शेष था तो गौर कृष्ण महाराज जी से चलते हुए कहा कि मेरा रिजल्ट बी ए का आ गया है और ला में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो कहे कि ला करके क्या करिएगा ला करके वकील बन जाएंगे झूठ को सच साबित करना और सच को झूठ साबित करना मान लीजिए आपका क्लाइंट मर्डर किया है तो आप यही ना साबित करेंगे कि ये मर्डर नहीं किया है और कुछ पैसे होंगे शादी होगी स्त्री आएगी उसके बच्चे होंगे बच्चे के बच्चे होंगे इस तरह से विस्तृत हो जाएंगी समस्याओं का विस्तार होगा कह की स्त्री मतलब विस्तृत ये मत समझिए कि वकील बन जाएंगे कुछ पैसा होगा शादी होगा तो समस्याओं का समाधान होगा नहीं और समस्याएं बढ़ती जाएंगी बोले कि आपके पास क्या है आप जरा सोचिए राजर्षि भरत राजगरा पृथ्वी के सम्राट थे और युवावस्था में पत्नी बच्चे साम्राज्य को छोड़कर के जंगल में भजन करने गए थे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब कहे ना कि राजर्षि भरत पृथ्वी ही नहीं सागरों पर भी उनका आधिपत्य था ससागरा पृथ्वी सम्राट थे इन अवस्था में साम्राज्य को पत्नी बच्चों को मलवत छोड़ के जंगल में गए फिर आए नहीं आपके पास क्या है इस तो ये बात मुझे दम निर्णय पर ला दिया मैंने अब मन में ही निर्णय ले लिया कि इतना अच्छा ये बात लगा कि राजा होकर के सम्राट होकर सब छोड़ कर के भजन करने गया तो हम लोग के पास उस अनुपात में तो कुछ नहीं है तो मैंने मन में अब निर्णय ले लिया कि नहीं अब जो है कुछ नहीं करना ब्रह्मचारी ही बनना है निर्णय ले लिया उस समय और उसके बाद दस दिन के बाद कार्तिक यात्रा वृंदावन में आने की तैयारी थी तो मैं कहा कि हम भी चलेंगे तो इस तरह से वृंदावन यात्रा हम किए 89 में गौर कृष्ण जी के साथ में कई जगहों पर हम लोग पैदल यात्रा करते थे और रुके थे मनमोहन कुटी में बहुत सारे भक्त थे ब्रजेंद कुमार जी थे लक्ष्मी नारायण जी थे गौर कृष्ण जी के बड़े पिताजी थे उनकी बड़ी माँ थे लक्ष्मी नारायण जी की भी के माता पिता थे तो वहीं हम लोग रुकते थे वहीं प्रसाद बनता था खा करके यात्रा जाते थे फिर शाम को वहाँ आते थे मनमोहन कुटी अब देखें हैं ना क्योंकि बहुत सारे करीब पंद्रह बीस भक्त थे तो वहीं दोबारा फिर श्रीवास श्रीवास थे तो सेविंग मैं कहा कि सब सेविंग कर दीजिए तो थोड़ा थोड़ा यहाँ ये यह था अभी मुझ नहीं आया था थोड़ा थोड़ा ये आ रहा था तो मैं कहा कि ये भी निकाल दीजिए तो बोले कि क्यों मैं कहा कि नहीं अब तो निर्णय लिया हूँ अब जाना नहीं है तो बोले कि नहीं आप थोड़े ब्रह्मचारी बनेंगे उनको विश्वास नहीं होता लाख नहीं अब तो हमने निर्णय ले लिया है कि अब गांव नहीं जाना है ब्रह्मचारी ही बनना है तो वृंदावन में मैं ज्वाइन करना चाहता था और गौर कृष्ण महाराज जी सोचते हैं चंडीगढ़ में रखें चंडीगढ़ में क्यों रखना चाहते थे कि वहाँ बिहार के भक्त थे वो सोचे वृंदावन में रहेंगे तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है ना बहुत सेवा करना पड़ता है तो उनको बर्तन धुलाएंगे ये करेंगे तो वो हमको कहे नहीं लेकिन वो समझते थे कि कोई बोल देगा कुछ ये कर देगा तो नहीं रहेंगे तो ऐसे जगह पर रहें जहाँ इनका कोई मार्गदर्शन करने वाला हो बाद में हम समझ गए वहाँ पर नए लोगों को बहुत लोग ये करते ना ए एक लाओ वो लाओ क्या कर रहा है कुछ दाल भी ज्यादा दिखता नहीं है तुमको इतना दाल दे दिया ऐसे बोलते हैं ना नए लोगों को तो वो उस हिसाब से वो कहे कि आप चंडीगढ़ में रहिएगा तो प्रभुपाद जी का फेस्टिवल करके हम लोग रथ यात्रा दिल्ली गए दिल्ली से चंडीगढ़ गए तो वहीं जो है नंदन प्रभु भी आए थे तो देवकीनांद प्रभु कहे उनको कि हमको दो ब्रह्मचारी दीजिए मुंबई के लिए तो देवकीनाथ प्रभु को हम एट्टी सिक्स में बिहार देखे थे पदयात्रा में पदयात्रा जब आई थी लोकनाथ महाराज लेकर तो वहाँ देवकीनाथ प्रभु को देखे थे दूर से लेकिन नजदीक से से परिचय नहीं था तो चंडीगढ़ में गौर कृष्ण महाराज बोले कि देवकुरा प्रभु कह रहे हैं दो ब्रह्मचारी चाहिए आप बम्बई जाइए तो फिर मिलाए हमसे तो देवकुरा प्रभु से जब मिले हम तो कहे कि आप राधा रमन जी के भाई हैं तो मैं कहा ये क्यों पूछ रहे हैं तो मैं कहा कि नहीं मैं तो अतः तो आपका गांव कहाँ है तो मैं कहा कि पूनाव तो बोले कि हुरी है हमारी बुआ है हमारे गांव के बगल में उनकी बुआ है देखो यहाँ प्रभु की तो मैं कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तो इस तरह से फिर संकीर्तन बस आई थी मुंबई से संकीर्तन बस प्रचार करते करते वो लोग भी आए थे तो वहाँ पर वो कहे कि इनको लेकर आप लोग आना तो संकीर्तन बस में इस तरह से हम लोग नाथ द्वारा पुष्कर और बद्री हरिद्वार होते हुए डाकोर होते हुए मुंबई पहुँचे तब तो मुंबई गए तो वहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में और लाल सेफरन जो है चंडीगढ़ में ही कृष्ण महाराज राधा वल्लभ प्रभु ही थे देवक प्रभु थे तो वो लो, लोग वो लोग कहे कि आपका दीक्षा हो ही गया है बहुत पहले लाल वस्त्र पहन लीजिए नहीं तो मुंबई जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि नया आदमी है निभक्त में डाल देंगे तो देवक प्रभु कहे कि सेफरन पहन लीजिए तो चंडीगढ़ में ही वो लोग बहुत सहूलियत दिए रहने के लिए उस हमको तो मालूम नहीं था ना कि क्या क्या होता है आगे तो सब भविष्य को देखते हुए कि सेफरन में रहेंगे तो इनको फिर ट्रेनिंग में नहीं डालेंगे ये तो नहीं तो ट्रेनिंग में डाल देंगे तो वहीं पर गौर कृष्ण महाराज देविन प्रभु राधा वाले लोग लाल वस्त्र दिए तो सेफरन पहन लिया और संकीर्तन बस में वहाँ मुंबई मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जो है 89 में ज्वाइन किया लेकिन मन शुरू में नहीं लगता था तो देवकुरा प्रभु कहते थे कि हम भी आए थे तो मन नहीं लगता था और मुझे भी लोग बोलते थे गांव वाला है देखो यहाँ प्रभु हमको उत्साहित करते थे बोले हमको भी अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी हमको कहते थे बोला कि आप रहिए धीरे धीरे हो जाएगा बोले कि मैं भी आया था तो मन नहीं लगता था कि मैं एक दो बार उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ नागपुर में महाराज आए हैं तो वो बोले कि नहीं महाराज यहीं आने वाले हैं वो झूठ बोले महाराज मॉरिशस जाने वाले तो बोले कि नहीं महाराज यहीं से मॉरीस जाएंगे तो ऐसे करके जो है लेकिन गौर कृष्ण महाराज जी का बहुत सहयोग रहा और हमारी हर दीक्षा वही कराए पहली दीक्षा दूसरी दीक्षा 91 में फोगलाश्रम में हुई तो वही जनेऊ और मंत्र लाकर दिए बोले कि ये मंत्र है ये जनेऊ है महाराज नहीं दिए महाराज उनको दिए और वो हमको दिए तो ब्राह्मण दीक्षा मतलब एक तरह से उनके थ्रू ही मिला वो मंत्र लेकर आए बोले कि ये मंत्र है गायत्री मंत्र है जनेऊ है और सन्यास दीक्षा के लिए भी हाथ पकड़ कर के बरझरी प्रभु के पास ले गए वो थे बड़े सुंदर प्रभु थे तो कहे कि इनको सन्यास के लिए करना है तो ब्रजहरी प्रभु बोले कि मैं भी बोलना चाहता था लेकिन मैं सोचा कि तैयार होंगे कि नहीं होंगे तो सन्यास का ये किए फिर वृंदावन में भक्ति शास्त्री कराए और फिर भक्ति रसामृत महाराज से मीटिंग करके उनको में, मेंटर के लिए तैयार किए फिर जितना भी प्रोसीजर था वो सब कुछ वो करके गए थे फिर गौरांग प्रभु से राधा राधेश्याम प्रभु से कहे कि इनका ये कराना है संन्यास कराना है जितना अवरोध था जितना रुकावट था वो सब ये करके गए थे और शरीर छोड़ने से चार दिन पहले कहे कि आपका इसी साल हम चाहते हैं कि फाइल जो है संन्यास कमिटी में पहुंच जाए तो सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और भेजवा भी दिए लेकिन रिटर्न आ गया था क्योंकि आईआईसी का लेटर नहीं था तो हमको कह जाइए गोपाल कृष्ण महाराज के पास तो मैं गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया वृंदावन में ही तो महाराज कहे कि अभी मीटिंग कहाँ हुआ है मीटिंग होगी तब ना बोले कि अभी तो ब्यूरो में आपका हुआ ही नहीं मैं कहा कि महाराज ब्यूरो में तो हो गया ना बोले नहीं अभी फाइनल कहाँ हुआ है तो देवक्यान प्रभु के पास गया तो बोले कि अपना ईमेल दीजिए और मैं आईआईसी मीटिंग में करा दूंगा वृंदावन में ही नवंबर की बाद शरीर छोड़ने से चार तीन चार दिन पहले तो भक्ति शास्त्री का भी बोले आपका ये सर्टिफिकेट आ गया है सब कुछ हो गया है फिर कथा थी मधुबन मधुबनी में तो हम मधुबनी के लिए जा रहे थे तो मैं कहा कि मैं मधुबनी जा रहा हूँ उन्हीं का कथा था तो नहीं किए थे तो मुझे वहाँ के लोग कहे थे वो मॉरिशस जाने वाले थे तो हम ट्रेन में बैठे पंद्रह को शाम को तो मॉर्निंग सोलह को सोलह है न सोलह को बनारस के आसपास हम गए तब तो फ़ोन आया कि गौर कृष्ण महाराज कैसा हो गया तो फिर बरझड़ी प्रभु का फोन आया छः बजे कि आप कहाँ मैं कहा कि मैं तो ट्रेन में हूँ और मधुबनी के लिए हम लोग जा रहे हैं तो कह के आपको ऐसा ऐसा ये हुआ आपको मैं कहा कि हाँ फ़ोन आया था तो गौर कृष्ण महानद का बहुत जो भी मेरे पास है या जो भी मैं हूँ उनके ही बदौलत हूँ उनका बहुत मतलब बहुत उत्साह देते थे सहयोग देते थे और हर परिस्थिति में हेल्प करते थे अपने भाई जैसा और सबको हेल्प करते थे उनका स्वभाव और उनका भाषा उनको मदद करने की प्रवृत्ति सबको जो है प्रभावित करती थी हर व्यक्ति को अपनी भाषा से अपने व्यवहार से प्रभावित करते थे वो और उनके वाणी से लोग ब्रह्मचारी लेने के लिए संकल्प ले लेते थे जहाँ भी प्रवचन करते थे मुंबई में भी ब्रह्मचारी क्लास देते थे तो बहुत सारे ब्रह्मचारी उत्साहित होते थे ब्रह्मचारी बनने के लिए ऐसा उनका प्रभाव था बहुत लोग घर छोड़ के ब्रह्मचारी बनते थे से बिहार में बहुत सारे भक्त बनाए हैं उसका श्रेय गौर कृष्ण महाराज का है महाराज दीक्षा दे देते थे लेकिन भक्तों को भक्ति में पोषण करना उनको भक्ति में बनाए रखना ये काम गौर कृष्ण महाराज करते थे सुदूर जंगल में गांव-गांव जाते थे पैदल भी उस समय झारखंड में जहाँ महाराज प्रचार करते थे झारखंड हम लोग बोलते थे लेकिन झारखंड प्रांत नहीं है आज जो प्रांत है वो झारखंड का जंगल है चार पांच स्टेट में फैला है ना झारखंड का जंगल तो गौरकृष्ण महाराजी पैदल जाते थे और एक एक रुपया बचाने का भी प्रयास करते थे और मंदिर का पैसा खर्च नहीं करते थे कभी कभी मंदिर में काम होता था तो लेबर का भी काम करते थे पैसा बचे मंदिर का और मंदिर के पैसे से वो मूँगफली भी खरीद कर नहीं खाते थे यात्रा में भी <laughs> कि नहीं वो पैसा मंदिर का है तो हम क्यों करेंगे बहुत बिहार में हम लोग कि पैदल यात्रा करके भक्तों के पास पहुंचते थे उनको उत्साहित करते थे नहीं तो दीक्षा लेने के बाद लोग कुछ समय के बाद हो शिथिल हो जाते थे माला रख देते थे, थे कर, लेकिन आ करके बीच बीच में उत्साहित करते थे तो मेरे पास ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं समय कम है लेकिन ये कहूँगा कि गौर कृष्ण महाराज जी का जो हमारे प्रति जो उपकार है उसको हम वाणी से नहीं प्रकाशित कर सकते हैं और जो भी भक्ति में थोड़ा बहुत हम लोग ये कर रहे हैं उन्हीं का ही देन है हरे कृष्णा धन्यवाद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज की शील प्रभुपाद की जी गौर कृष्ण महाराज जब भागवत के लिए जीवन देने के बाद के तो महाराज मुट्ठी बंद किए थे तो वास्तव में गौर कृष्ण महाराज का अध्ययन के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जीवन में अध्ययन कैसे किया है उससे पता चल सकता है कि उनके भागवत के प्रति कितना प्रेम है जिसका जिस व्यक्ति के जिसका जिस जिसके प्रति प्रेम होता है वो अपना जीवन उस कार्य के लिए समर्पित करता है तो आज भी हम लोग यदि बरसाना जाएंगे उनके आश्रम में जाएंगे श्रीधाम कुटी में तो उनका टाइम टेबल आज भी लिखा हुआ है तो कभी चलना चाहिए जब हम सब बरसाना जाना जाएंगे कभी उनके आश्रम उनकी समाधि वही पे है पुष्प समाधि तो चौदह घंटा पढ़ते थे दिन के उनका टाइम टेबल कि कब सुबह से लेके शाम तक क्या करना है जब कब करना है पढ़ना कब है ब्रेक प्रसाद कब लेना है सब पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है तो वो कई सालों तक तो उन्होंने उस तरह से अध्ययन किया गहन अध्ययन किया भागवत का एक समय पूना में मैं और राधेश्याम प्रभु पास में बैठे थे और गौर कृष्ण महाराज प्रवचन कर रहे थे और गौर कृष्ण महाराज प्रवचन करते जा रहे थे और राधेश और हमारे हाँ, उनके गौर कृष्ण महाराज के पीछे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था जिस पर प्रभुपात जी के परपट डिस्प्ले हो रहे थे तो गौर कृष्ण महाराज तो नीचे देख भी नहीं रहे थे लेकिन प्रभुपात जी के परपट की एक एक बात वो सुना रहे थे और बोल रहे थे कि राधेश श्याम्भ मुझसे कहे कि कान में कि ये पूरा परपट पूरा पढ़ लिए हैं पूरा एकदम एज इट इज मतलब सब इतना इतना रच पच गया है उसमें वास्तव में उन्होंने सैकड़ों बार संपूर्ण भागवतम प्रौपा जी की टीकाओं के प्रौपा जी की जो टीका उसके साथ पढ़ा है और निश्चित रूप से संस्कृत के विद्वान थे तो आचार्यों की टीकाओं का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है तो भागवत को उन्होंने अपना इस तरह से जीवन बनाया था कि उनको एक क्षण भी बिना भगवान के स्मरण का उनको बिताना नहीं था और वो अपना दृढ़ निश्चय बना के जी जी रहे थे कि जो कार्य प्रुपा जी ने किया है और चौबीसों घंटा प्रौपा जी ने प्रुपा जी तो महात्मा है और प्रौपा जी ने जिस तरह से इस संस्था को खड़ा किया है और भागवत का प्रचार करने हैं तो प्रौपा जी ग्रंथराष्ट्रमत भागवत को लेकर विदेश में गए थे और उस भगवान की गुण रूप लीला आदि को प्रकाशित करते थे और सारे विदेशी लोगों को सारे भर के लोगों को भगवान की तरफ जोड़ दिए तो वही वही कार्य उन्होंने आ, उनकी गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी के जीवन में देखा कि उनका अध्ययन कैसा था उनका अध्ययन भी वैसे ही हुआ करता था भुवनेश्वर प्रभु उनके साथ पंद्रह साल रहे थे तो मैंने भी पूछा था व्यक्तिगत रूप से कि क्या करते थे मतलब क्या करते थे मंगल आरती करके आ जाते थे और पढ़ना चालू कर देते थे, थे और मैं दिन भर पढ़ते ही रहते थे और प्रसाद के लिए प्रसाद उनके सामने थाली रख दी जाए तो बस ऐसा हो जाता थे प्रसाद खाते थे और फिर से टर्न होके फिर से पढ़ना चालू करते थे तो इस तरह से भुवनेश्वर ने कहा कि मैंने और कोई कार्य उनको करते हुए देखा नहीं है बस पढ़ते ही रहते थे घंटों 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 पढ़ते थे <coughs> तो गौर कृष्ण महाराज ने ये देखा कि अगर भागवत के प्रति अगर अपना जीवन समर्पित करना है तो पहले भागवत को पीना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने भी भागवत किस तरह से पिया है <coughs> और व्यक्तिगत रूप से कई बार ऐसे अवसर मिले कि विशेषकर ग्रंथों के प्रकाशन में गुरुदेव के जो ग्रंथों के प्रकाशन में मेरा कार्य उनके साथ हुआ था उनका हम दोनों साथ में कार्य करते थे तो हम लोग दिन रात बैठकर एडिटिंग करते थे और उनके साथ जब रहने पर अवसर मिलता था तब पता चलता कि पढ़ते कैसे थे अध्ययन कैसे नोट्स कैसे बनाते थे ये सब मैंने देखा है कैसे प्रभुपात जी के ग्रंथों को रखते थे श्रीधर स्वामी अन्य अन्य आचार्यों की टीकाओं को सामने रखते थे और किस तरह से वो अपने नोट्स बनाते थे तो ये मैंने दिन रात ऐसा मैं उनके साथ रहता था तो देखता था अपने हाथों से लिखते थे वो तो उनके नोट्स बनाने की शैली मैं सम, समझने का प्रयास करता था बुद्धू था अभी भी बुद्धू हूँ लेकिन फिर भी आ, उनसे थोड़ा बहुत देख 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 देखा करता कैसे किया जाता था कार्य और कैसे अध्ययन करते थे वो और ऐसा होता था कि विषय मान लीजिए विषय पढ़ रहे हो विषय कुछ और है और नीचे कथा देनी कुछ और और, और कथा है तो ये ऐसा उनका एक कथा एडवांस में चलता सा लगता है थीगा? तो पढ़ते थे कुंती महारानी की है नीचे देते दे थे भीष्म पिता तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ऐसा मैंने कई बार देखा है और नीचे ऐसी विस्तृत कथा करेंगे एकदम डिटेल में अच्छा बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या करेंगे वैष्णव आचार्य के टीकाओं की कि ऐसा लगा कि व्यक्ति भी पढ़कर आ रहा है लेकिन वो ऊपर जब जाएंगे व्यक्ति उनके कमरे में तो कोई और ही विषय उनका चलता रहता है तो ये अद्भुत मैंने देखा और उनका जो उनका जो भागवत के लोगों को भागवत से और भगवान से जोड़ने का जो उनकी इच्छा थी लोगों को इनक्रेज करते थे कि भागवत पढ़ने के लिए और सबसे उनका एक बहुत अद्भुत ऐसा स्वभाव था कि कि सबको अपना मानकर चलते थे सबका भगवान के संबंध में वास्तव में हम सबका जो संबंध भगवान से है तो कई बार ऐसा होता है कि ये मेरा गुरु भाई है ये मेरा ये है वो इस तरह से भावना कभी उनकी कभी उनकी इसमें थी ही नहीं जब सबको मिला कर चलते थे सबको प्रेरणा सबको इनक्रेज करते थे कि भागवत पढ़ने के लिए उनके संपर्क में कोई आ गया तो उसने भागवत उठा लिया फिर वो कोई भी हो कैसा भी हो उनके संपर्क में कोई आ गया जैसे कहा जाता है कि भागवत बनना है तो भागवत के संपर्क में आना चाहिए तो वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भागवत का प्रेमी बन जाता था गौर कृष्ण महाराज वास्तव में आ, कई सारे कई सारे कार्य व्यक्तिगत रूप का से उन्होंने उनकी इच्छाएं थी जैसे बिहार में राधा गोविंद महाराज ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बिहार में भागवत का स्कूल चलाते थे वहाँ पे सौ डेढ़ सौ भक्तों ने बैठकर कर वहाँ पर अध्ययन किया है तो एक श्लोक महाराज लिखते थे और उसको जी के परपट से और आचार्य के टिकाऊ समझाते थे ऐसे चार कैंटो उन्होंने पढ़ा है चार कैंटो के नोट्स भी आज है गौर कृष्ण महाराज के पास है तो इस तरह से महाराज की इच्छा थी गौर कृष्ण महाराज की वैसे ही भागवत का स्कूल कहीं होना चाहिए वृंदावन में होना चाहिए बार, बार 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 बोला करते थे और शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले उनके मुख से कुछ निकला कि तू उन्होंने देखा था कि मैं भागवत के प्रति उसमें मैगजीन निकालता था और लोगों को इनक्रेज करता था भागवत पढ़ने के लिए अपनी तरह से करता था छोटा सा इनक्रेजमेंट करता था तो उन्होंने कहा कि ये सब करने से नहीं भागवत का स्कूल खुलना चाहिए भागवत का स्कूल खुलेंगे तब तब लोगों को अच्छे से शिक्षा मिलेगी प्रयास कर रहे हैं हमारा प्रयास चल रहा है भगवान की कृपा से भगवान बल दे रहे हैं एक घटना थी मैं आप लोग अपने परिवार जैसे है मैं अपने आप को इनक्रेज करने के लिए यह घटना सुनाना चाहता हूँ श्री केशवरों ने मुट्ठी बंद करने की बात कही थी मेरे जीवन में मुट्ठी खुलने की बात है जब गौर कृष्ण महाराज का वास्तव में ये मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है मैं बोलना वैसे महाराज के साथ पंद्रह बारह तेरह साल बहुत करीब से हम लोग दोनों रहे हैं और हमारे अंदर हमारे दोनों के एज में बीस साल का अंतर था लेकिन मुझे ऐसा कोई महसूस ही नहीं हुआ कि आ, कि हम दोनों में इतना अंतर है वास्तव में एक बड़े जो इतने वैष्णव की एक वैष्णव इतने बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे लेकिन वो हमेशा मेरे मैसे मेरे प्रति नहीं सबके प्रति वो, वो इस तरह से व्यवहार करते थे कि मान लो कि हम मित्रवत व्यवहार करते थे तो ये उनसे गुण मैंने सीखा है कि हमेशा अपने से छोटों से कभी उनको छोटा महसूस मत करने दो उन्हें हमेशा अपना बनाकर उनके साथ कार्य करना चाहिए तो कृष्ण महाराज का सबसे बड़ा गुण था कि वो इस तरह से सामने वाले को कभी अपने से छोटा नहीं मानने देते थे हमेशा मित्रवत व्यवहार करते थे प्रेम खूब प्रेम देते थे और उसके उसको प्रेरणा देते थे प्रेम प्रेम से वो सबको वश में कर लेते थे ये उनका सबसे बड़ा गुण था तो जब उनका अंतिम शरीर जब जब उनका शरीर छूटा जिस आज की घटना थी पाँच साल पहले तो महाराज का शरीर वास्तव में ब्रज हेल्थ केयर में छूटा है बहुत सारे लोगों के अपना अपना मत होगा हमारे मेरे गुरु भाइयों में बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत हो सकता है लेकिन गौर कृष्ण महाराज का शरीर मेरे सामने छूटा था ब्रज <coughs> हेल्थ केयर में आ, महाराज मेरे उमैक्स में हमारे घर के ऊपर रहते थे वैसे तो झांसी में रहते थे प्रचार करते थे कभी कभी वृंदावन आते थे तो उनको एक स्थान चाहिए था तो हमारे घर के ऊपर टेरेस में एक छोटा सा कमरा था इंडिपेंडेंट था वो हमारे घर से कोई संपर्क नहीं था तो वहाँ पर उनका छोटा सा भजन कुटीर था वहाँ पर रहते थे और जिस दिन वो जिस दिन आज की रात पाँच साल पहले उन्हें छाती में दर्द हो रहा था तो एक बजे से उन्हें दर्द प्रारंभ हुआ था कोई कहता ग्यारह बजे से दर्द प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे वो उन्हें लग रहा था कि कोई शरीर की समस्या होगी तो अपने जड़ी बूटी कुछ करते थे उनके पास हमेशा एक जड़ी आयुर्वेदिक दुकान चलती थी उनके साथ तो हमेशा उस तुरंत उन्होंने कुछ अपना कूट कूट कर चालू करके कुछ पीना चालू कर दिया था खाना पीना चालू कर दिया था आयुर्वेदिक दवाई बना के खा रहे थे और अंततः सवा तीन बजे रात के समय वो जो नीचे आए और उन्होंने कहा कि छाती में दर्द हो रहा है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा लगता है तो तुरंत मैं कपड़े वपड़े पहनकर हम निकल गए तो जब ब्रज हेल्थ केयर में पहुँचे तो डॉक्टर समझ गए हार्ट अटैक है डॉक्टर ने थोड़ा सा वो टैबलेट भी दे दी लेकिन वो जब लेट गए थे और उस समय उन्होंने कहा ब्रज सुंदर पानी लेकर आओ तो स्पष्ट आवाज़ मेंस पानी लेकर आया तो मेरे पास तो ग्लास था नहीं मैंने आसपास के जो पेशेंट था उसका एक ग्लास ले लिया मांग कर अच्छे से धोया पानी भरा और महाराज को दिया तो महाराज उठे एकदम नॉर्मल जैसे उठना था वैसे उठे पानी पिया फिर से लेटे लेट कर लंबी सांस ली और शरीर वही छोड़ दिए तो थे तो वास्तव में महाराज का शरीर ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती के समय मंगल आरती जब चल रही होगी कृष्ण बल्ला मंदिर में उसी बीच में शरीर छोटा है उनका और उसके बाद उसके बाद तो हमें हम लोग उनको कई और ले गए उसके बाद एक और घटना हो गई कि जब उन्हें चीता पर लिटा दिया गया था महाराज को वैसे समाधि देना चाहिए था लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि आप इनको अग्नि देना चाहिए तो जब महाराज चिता पर लेटे हुए थे तब तो उनका एक हाथ ये लेफ्ट हैंड उनका उचिता के भार था मेरे लिए बहुत मैं उस मैं उनका आ, मेरा संबंध बहुत करीब का था तो हमेशा मैं उसी हाथ को हमेशा अपने छाती से लगा लगा लगाता था जब भी मैं उनसे जब भी उन मुझे उनके दर्शन होते प्रणाम करता प्रणाम होके पहला मेरा काम होता था उनका हाथ वो हाथ उस हाथ, हाथ अपने हाथों में लेकर अपने छाती से लगा लेता था और मुझे एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती थी तो जब उनका संन्यास हुआ तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ऑ एंड रेवरेंस में होना चाहिए तो मैं बहुत हाथ जोड़कर सब डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए मैं आज भी प्रभु हूँ ये सब नाटक मत कर जैसा व्यवहार करता था तो वैसा ही करना तो वो जब हाथ बाहर आया मुझे बहुत आ, शरीर मतलब मतलब अग्नि अग्नि लगाने ही वाले थे हम लोग और वो वो हाथ हाथ उन महाराज का बाहर आ गया था एकदम विचित्र बात थी कैसे कि सारा शरीर अच्छे से अंदर है सब लक, लकड़ी उस पर रखी हुई थी लेकिन वो हाथ कैसे बाहर आ गया था और कोई नहीं देख किसी ने नहीं देखा होगा शायद से तो मेरी दृष्टि उस हाथ पर पड़ी क्योंकि वो हाथ मेरे लिए बहुत प्रिय था उसी उसी हाथ को मैं अपने छाती से लगाया करता था तो अंतिम बार मुझे वो हाथ महाराज का भार आया तो मैंने अपना सर उस पर लगा फिर से अंतिम बार अपना हाथ उस हाथ में रखा प्रणाम करके दो आराम मैंने अंदर रख दिया तब से निर्णय लिया कि अब प्रयास करना चाहिए कि जो गौर कृष्ण महाराज जो कार्य करते थे भागवत का तो उसमें कुछ योगदान हमें भी करना चाहिए तो उस दिन से वास्तव में निर्णय हुआ कि मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ आशा नहीं है जो भी करना है भागवत के लिए करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कार्य को कर पाऊ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर वो हाथ अगर नहीं आता तो मैं शायद मैं बहुत ऑलरेडी जीवन जीता था लेकिन वो जो घटना हो गई वो उससे मेरा पूरा अस्तित्व एक लिया पूरा अस्तित्व बदल गया मेरा मेरे अपने बहुत एजेंडे थे जीवन में ये करना है वो करना है वो करना लेकिन उस घटना के बाद मेरा निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं से ना कोई पद ना कोई पोजीशन किसी चीज की लालसा नहीं है बस ये भागवत की सेवा करने की अगर भगवान अवसर दे तो करना चाहता हूं तो मैं आप सबसे टीवी के माध्यम से भी जो भक्त लोग सुन रहे हैं उन सबसे प्रार्थ उनसे विनंत प्रार्थना करते तो हूँ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जिस भी इच्छा से भगवत कृपा से जो भी इच्छा गौर कृष्ण महाराज रखे होंगे भागवत की सेवा करने के लिए अगर वो हम लोग कुछ कर पाए तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तो मेरे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं गौर कृष्ण महाराज और आप हमारे गुरुजनों के चरणों में मैं उनका उनके लिए वो कार्य सेवा कर सकूँ वैसे मुझे भागवत के बारे में कोई जानकारी नहीं है मैं तो पूरा इंद्र तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति हूँ लेकिन आप लोग प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मत भागवत में लग सकता है तो गौर कृष्ण महाराज जाने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया कि उनका स्थान मैं बहुत अकेला महसूस करता था वो अकेला महसूस करता था कौन मेरा जीवन में क्योंकि जितना प्रेम उनसे था वैसा वैसा आत्मीयता वैसे बहुत कम लोगों साथ थी मेरी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था जिस मैं उनसे शेयर नहीं करता ना ऐसा कुछ भी नहीं था वो मुझसे शेयर नहीं करता सब शेयर कर देता एक दूसरे से मुझे रात को ग्यारह बजे अगर मेरी ट्रेन झांसी से जाती थी गौर कृष्ण महाराज खुद सन्यास लेने के बाद भी एक बार ग्यारह बजे रात को मेरे को टिफिन पहुँचाने आए थे मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा मैंने मांगा था टिफिन तो रात को ग्यारह बजे मेरी ट्रेन झांसी से जा रही थी तो गौर कृष्णदास गोस्वामी टिफिन लेकर रात को आए थे मेरे पास पहुँचाने के लिए खुद आए थे तो इतना प्रेम तो मैं मैं तो ऋणी हूँ उनका वो स्थान जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत वैक्यूम छा गया था तो मैं भगवान से प्रार्थना कि कोई ऐसा व्यक्ति तो मेरे जीवन में भेज दीजिए कि कोई आए और उस स्थान को भरे जिस जैसा प्रेम वो करते जैसा डांटते थे फटकारते थे कि वो अधिकार मेरे मेरा ऐसा व्यक्ति इतना अहंकारी व्यक्ति हूँ कि ऐसा अपने आप को किसी को सौंपना बहुत मुश्किल था लेकिन वो उन्होंने मैं उनको सौंप चुका था तो मुझे पब्लिक में डांटते थे फटकारते बड़ा आनंद मिलता था लोगों को अपमानित अपमान लगता के मुझे आनंद मिलता था तो स्थान रिक्त हो गया लेकिन भगवान की कृपा से मुझे शंकर श्रद्धा प्रभु जैसे व्यक्तित्व तो मिले तो वास्तव में भगवान से प्रार्थना करा देखो ऐसे व्यक्ति तो मेरे जीवन में आए दोबारा तो भगवान ने उनको भेज दिया वैसे तो गौर कृष्ण महाराज के जीवन में कमी हमेशा रहेगी लेकिन जो प्रेम उनसे मुझे मिला वैसे ही प्रेम मुझे प्रभु जी देते हैं तो उसका उनका मैं आभारी हूँ और आप सबका भी आभारी हूँ कि आप सब हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर भागवत की प्रचार कार्य में लगे हुए हैं तो धन्यवाद हरे कृष्णा आज जो ये दीक्षा उत्सव हुआ जैसे अठहत्तर की बात है जैसे महाराज कहते हैं अठहत्तर में जो हुआ था आज जो ये दीक्षा उत्सव हुआ महाराज जी कह ऐसे बोले कि आप में से इस इन भक्तों में से कोई एक भी अगर संपूर्ण जीवन को इस भागवत के प्रचार में समर्पित कर दे तो मेरा प्रचार सार्थक हुआ ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा महाराज जी बोले तो जितने भक्त दीक्षा लिए थे उसमें से गौर कृष्ण महाराज के हाथ में महाराज कह रहे थे तो मेरा मुट्ठी बंद हो गया ऐसे ऐसे देख रहे ना ऐसे हाथ था दीक्षा लेने के बाद ये वाक्य सुन के गौर कृष्ण महाराज का हाथ का जो मुठ्ठी जो अपने आप ऐसे बंद हो गया मतलब संकेत दिए कि महाराज आपकी वाणी को मैं जरूर सार्थक करूँगा तो ऐसे ही सत्शिष्य होते हैं सदगुरु के या महाराज जी कभी उनको याद करते हैं तो मन हमारे मन में भी प्रश्न था ऐसे तो मुंबई में राधा बिहारी मंदिर में महाराज जी गुरु महाराज थे कमरे में अब तो जानते हैं महाराज अस्वस्थ हैं कमरे में बिस्तर के ऊपर लेटे थे तकिया ऐसे दो तकिया पीछे था सेवक अंदर था और मुंबई में वो प्रभु जी हैं राधिका का प्रभु वो बताए वो भी कमरे के बाहर थे अचानक क्या हुआ महाराज जी को कुछ शरीर में ऐसे वो उठने के लिए प्रयास किए तो आवाज़ आया तो सेवक अंदर गया तुरंत तुरंत अंदर जाके कोई शायद महाराज जी को चाहे तो दो तकिया पीछे से और लगा दिए ऐसे ताकि महाराज जी आराम से थोड़ा बैठ पाए और राधिका कन्यापू रूम के जस्ट एंट्रेंस में थे तो उस समय उन्होंने महाराज जी ने कुछ नहीं बताया उनके मुख से दो तीन ऐसे जैसे को, कोई किसी को याद करके बड़बड़ाते हैं ना मरमरिंग करते हैं ऐसे बोलते हैं तो इस तरह से कुछ वाक्य उनके मुंह से निकला बहुत ही मतलब ना कभी किसी ने पूछा है ना जिज्ञासा की है बस वो शब्द ऐसे ही निकले तो क्या बोल रहे थे वो महाराज जी बोल रहे थे कि बस दो तीन वाक्य बोले गुरु महाराज बोले सबसे पहला वाक्य उनके मुँह से निकला कि गौर कृष्ण महाराज एक शुद्ध ब्राह्मण थे अब सुनते जाइए क्या क्या वाक्य निकला हूँ गौर कृष्ण महाराज एक शुद्ध ब्राह्मण थे वैसे भी वो जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे बड़े ऊँचे कोटि के ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही बोल रहे हैं और दूसरे वाक्य बोले उन्होंने महाराज जी ने बताया कि राधा रानी के बड़े अनन्य भक्त थे राधा रानी के शुद्ध भक्त थे अक्सर वो जैसे वसुंधरपुर ने कहा कि बरसाणा में काफी समय बीताते थे अध्ययन करने के लिए और तीसरे वाक्य बहुत धीमी धीरे धीमी धीमी आवाज़ में बताए जो राधिका का नाइपो हमें बताए हमारा सौभाग्य था उनका संग प्राप्त करना कौन बता रहे हैं ये एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के बारे में जो उनके सामने ही शरीर छोड़ दिए तो ये प्रमाण होता है कि गुरु कैसे अपने शिष्य को याद करते हैं उनके कृत्य के वजह से तो धन्यवाद आप सब